नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीकेआर किचन में। फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। तो आइए आज बनाते हैं हम नायलॉन पोहा चिवड़ा। बहुत ही शानदार होता है, बहुत टेस्टी, हेल्दी, बनाने में बहुत ही ईजी है और एक बार बनाएं पूरे महीने भर के लिए आप इसको स्टोर करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये काफ़ी हेल्दी है, बहुत ही कम कैलोरी वाला ये एक तरीके का नाश्ता है जो कि आपको हल्की फुल्की भूख में बहुत ही काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो फिर आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिया है 2 कप है ये नायलॉन पोहा। जो हम रेगुलर पोहा बनाते हैं नाश्ते में, ये वो पोहा नहीं है, ये नायलॉन पतला पोहा आता है, बिल्कुल पेपर की तरह पतला होता है। और इसको एक बार हमने अच्छे से छलनी से छान लिया है ताकि बारीक चूरा होता है पोहे का वो निकल जाए। ये ले लिया है 1 बाउल मकई चिवड़ा, ये ले ली है मैंने 1/2 बाउल के करीब कच्ची मूंगफली है, और ये हमने ले लिया है मखाना, थोड़े हमने ले लिए हैं काजू और किशमिश, और यहाँ मैंने ले लिया है ये नॉर्मल नमक है रेगुलर वाला, ये है सेंधा नमक, और 1 चम्मच मैंने लिए है अमचूर पाउडर छोटी चम्मच, थोड़े से ये फ्रेश कड़ी पत्ता है, और ये है हरी मिर्च जो छोटे साइज़ की हरी मिर्च आती है 2 से 3, 1 चम्मच राई है, ये हींग है 1/2 चम्मच, और ये 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर। तो इन सभी का यूज़ करेंगे हम नायलॉन पोहा चिवड़ा के लिए। तो ये एक थोड़ी सी बड़ी आयरन की कढ़ाई मैंने ले ली है ताकि इसको मिक्स करने में ईजी रहे, हिलाने में आसानी रहे। तो कढ़ाई में हम सबसे पहले मखाना डालेंगे, इसको हम किसी भी घी या तेल का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है मखाने को मीडियम फ्लेम पर। तो लगातार चलाते रहें और तब तक इसको रोस्ट करना है तब तक कि जो मखाना है वो एकदम क्रिस्प ना हो जाए, एकदम अच्छे से क्रंची हो जाए, तब तक इसको रोस्ट करेंगे। तो एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए लगभग 80% हो चुका है लेकिन पूरे तरीके से ये रोस्ट नहीं हुआ है, देखिए थोड़ा हार्ड है। तो 1-2 मिनट के लिए और कर लेंगे थोड़ा इसको रोस्ट। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम क्रंची हो चुके हैं मखाना। तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं। तो किसी भी एक बड़े बर्तन में आप इन सभी चीज़ों को निकालते जाएं क्योंकि हमको वैसे भी उनको मिक्स ही करना है। तो ये मखाना हमने निकाल लिया है। तो अब इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं ये नायलॉन पोहा, और इसको भी हल्के हाथ से आप चलाते हुए रोस्ट कर लें तब तक ये एकदम क्रिस्पी कुरकुरे ना हो जाएं। और जैसे जैसे ये भुनने शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे ये श्रिंक होते जाएंगे, यानी कि जो इनका साइज है वो छोटा होता जाएगा। ये पोहा रेगुलर जो हम पोहा यूज करते हैं नाश्ते में, ये उससे बहुत ही पतले और बड़े साइज के पोहा होते हैं। ये देखिए एकदम श्रिंक होने शुरू हो गए हैं जैसे जैसे ये रोस्ट हम इनको कर रहे हैं। तो ये देखिए इनको हम क्रश करके देखें तो ये एकदम अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं, एकदम अच्छे से क्रश हो रहे हैं। तो ये लगभग रेडी है। तो अभी इनको हम निकाल लेते हैं उसी बर्तन में जिसमें हमने मखाना को डाला है। तो अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है क्योंकि कुछ चीज़ों को हमको डीप फ्राई करके इसमें डालना है। तो ये मकई चिवड़ा हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके इनको हम फ्राई कर लेंगे। और इसको हम निकालते जाएंगे और उसी में मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारा मकई चिवड़ा अच्छे से डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप चिवड़ा बना के बच्चों को ज़रूर खिलाएं, बहुत ही हेल्दी है। और जब शाम की भूख में अनहेल्दी चीज़ें हम बच्चों को दे देते हैं, इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी, बहुत ही शानदार बेहतर नाश्ता है। तो ये सारे मकई चिवड़ा हमने डीप फ्राई कर लिया है।
तो इसी ऑयल में हम डाल देते हैं अभी मूंगफली। तो यहाँ पे मकई चिवड़ा, मूंगफली और मखाना आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार थोड़ा सा इसको चलाते हुए हम मूंगफली को भी अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मूंगफली में क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए मूंगफली अगर थोड़ी भी ज़्यादा डीप फ्राई हो गई तो फिर वो कड़वा स्वाद देने लग जाती है। तो जैसे ही मूंगफली क्रैक होनी शुरू हो जाए तो आप उसे तुरंत ही ऑयल से बाहर निकाल लें। और इसमें अगर आप चाहें तो जो ड्राई कोकोनट होता है उसके पतले पतले स्लाइस कर लें और वो भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो उसको भी इसी तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लें आप ऑयल में और निकाल लें। अगर आपको पसंद है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मूंगफली भी हमने इसमें शामिल कर ली है। और ये जो मकई चिवड़ा है उसका साइज काफी बड़ा है तो फिर उन सभी को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हाथ से। अब हमने डाल दिए हैं ये काजू और किशमिश। तो ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़े ज्यादा या थोड़े कम कर सकते हैं। और काजू और किशमिश के साथ अगर आप चाहें तो जो छोटे साइज की साबुत बादाम आती है वो छोटे साइज वाली बादाम भी आप इसमें ऐड कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसको भी आप इसी तरीके से पहले आप थोड़ा सा हल्का सा डीप फ्राई करके उसको निकाल लें, क्योंकि जो किशमिश और काजू है वो बहुत ही जल्दी डीप फ्राई हो जाते हैं और बादाम को थोड़ा सा टाइम लगता है मूंगफली की तरह। तो ये देखिए किशमिश फूल गई है और काजू ने हल्का सा कलर लेना शुरू कर दिया, तुरंत निकाल लेंगे। और इनको भी शामिल कर देंगे इसी मिक्सचर में। तो अब यहाँ पे ऑयल थोड़ा ज्यादा है तो अब थोड़ा हम निकाल लेंगे। और ये 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल हमने रखा है पीछे। तो अब हमको चिवड़ा में तड़का लगाना है तो 1 चम्मच राई डाल देते हैं और राई को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रैकल होने देंगे, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अब हींग डाल देंगे 1/2 चम्मच, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च के टुकड़े हैं वो डाल देते हैं। तो यहाँ आप चाहें तो हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के मुंह में मिर्च ना आए इसीलिए मैंने बड़ा काट लिया है। अब हल्दी डाल देंगे तुरंत और हल्दी को मिक्स करते ही हम ये मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया है। तो अब इस मिक्सचर को हम हल्के हल्के हाथों से मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तब तक ये अच्छा कलर ले ले तब तक इसको आपको मिक्स करना है। इससे जो पोहा वगैरह है वो और अच्छे से क्रंची हो जाएंगे और तड़के का फ्लेवर और कलर पूरे अच्छे तरीके से चिवड़े में मिक्स हो जाएगा। तो बस हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करते रहें। तो एक बार थोड़ा सा मिक्स किया है, अब डाल देते हैं हम ये काला नमक, रेगुलर वाला नमक, और ये अमचूर पाउडर। इसमें अगर आपको हल्का सा खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद है तो फिर इसमें आप 1 या 2 चम्मच पिसी हुई जो शक्कर होती है, शक्कर का पाउडर, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आपको खट्टा मीठा टेस्ट आएगा मार्केट वाला, लेकिन मुझे वो मीठा फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैंने चीनी का यूज नहीं किया है। तो अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हल्दी का कलर है वो आ जाए और नमक और अमचूर पाउडर भी अच्छे तरीके से पूरे में मिक्स हो जाए। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लें और अच्छे तरीके से थोड़ा उसको मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो हरी मिर्च और कड़ी पत्ता वगैरह हमने ऐड किया है तो वो भी एकदम ड्राई हो जाएंगे और जो चिवड़े की सेल्फ लाइफ है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो आराम से एक बार बनाएं और उसको अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद में आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर के महीने भर तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी आप इसको चाय के साथ सर्व करें या फिर हल्की फुल्की भूख लगी है तो फिर आप इसको थोड़ा सा खा लें तो पेट आपका एकदम फुल हो जाता है, लेकिन इसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती है तो आपका वजन भी नहीं बढ़ता है, तो वेट लॉस करने में भी ये आपको काफी मदद करेगा। ये देखिए बहुत ही शानदार और परफेक्ट कलर आ चुका है और बहुत ही सस्ते में काफी क्वांटिटी में आप ये चिवड़ा घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। यही अगर हम मार्केट से लाते तो बहुत ही महंगा पड़ता है हमको, लेकिन मार्केट से बिल्कुल आधे भाव में हम ये घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। होली और दीपावली के नाश्ते के लिए भी आप इसको काफी मात्रा में बना के और इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आइए अब इसको एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए।
तो ठंडा होने के बाद में ही आप इसको स्टोर करें। गरम गरम अगर आप इसको ढककर स्टोर करेंगे तो फिर ये सॉगी हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही शानदार और एकदम परफेक्ट मार्केट वाला हमारा ये नायलॉन पोहा चिवड़ा बनके बिल्कुल आसानी से रेडी है। और इसकी खास बात है कि घर में ही अवेलेबल चीज़ों से हमने बना के तैयार कर लिया है, बहुत ही कम ऑयल में हमने इसको तैयार किया है, तो ये हेल्दी भी है, काफ़ी टेस्टी भी है, बच्चों को बड़ों को सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में जिन्हें भी खाना बनाने का बहुत शौक है, तो उन्हें आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।